नमस्कार, बीसीएन न्यूज की हिंदी बुलेटिन में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सावनेर पंचायत समिति के युवा उपसभापति राहुल तिवारी द्वारा पंचायत समिति के सावनेर अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में निरंतर दौरा कर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनवाड़ी आदि का निरीक्षण कर वहां चल रही अनियमितताओं को शीघ्रता से दूर कर उचित शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा सुचारू रूप से प्रदान किए जाने हेतु प्रयासरत है। शुरुआती दौरे में उनके इस आकस्मिक दौरे में किसी स्कूल में शिक्षक तो स्वास्थ्य केंद्र व ग्राम पंचायत व आंगनवाड़ियों में कर्मियों की कमी के अनेक घटनाएं उजागर हुई। अनुपस्थित तथा अनियमितता पाए जाने वाले स्कूल व अन्य संस्था पर उचित कार्रवाई जारी है, जिसे उपसभापति के आकस्मिक इन दौरों से सभी कर्मियों में दहशत का वातावरण है कि उपसभापति कब आ धमके, जिससे सभी संस्थाओं में उपस्थिति में सुधार न होकर अन्य अनियमितताएं भी दूर होने लगी है। 27 जुलाई को रोहना, वल्नी माइंस, वल्नी बस्ती, इटनगोटी, चांपा, सावरमेंढा, सिल्लोरी, ब्रह्मपुरी, खुबाड़ा, बड़ेगांव, चारगांव, टेम्बुडो, खापा, पाटन सावंगी, चिचोली आदि स्थानों पर जिला परिषद स्कूल, आंगनवाड़ी, खापा, बड़ेगांव, पाटन सावंगी, चिचोली आदि प्राथमिक आरोग्य केंद्रों को भेंट देकर जायजा लिया, जहां पहले से ज्यादा सुधार देखा गया। इस विषय पर पंचायत समिति सावनेर के उपसभापति राहुल तिवारी ने हमारे स्थानिक संवाददाता से बात करते हुए पिछले करीब एक माह से चले उनके इस आकस्मिक दौरे में उजागर होती समस्याएं व समाधान पर अपने विचार रखते हुए कहा कि हम जनता के सेवक हैं, हमें जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं को समाधान खोजकर उन्हें राहत दिलाने हेतु सदैव कार्यरत रहना चाहिए और मैं भी बस यही कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि ग्रामीण अंचलों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारे प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक पूर्व मंत्री तथा क्षेत्र के विधायक सुनील केदार के दिशा निर्देशों पर नागपुर जिला परिषद तथा सावनेर पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, साथ ही ग्राम पंचायतों के सरपंच आदि द्वारा तहसील के दुर्गम भागों का आकस्मिक दौरा कर वहां जारी अनियमितताओं पर नजर रख उन्हें दूर करने की हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सावनेर से बीसीएन न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले। नागपुर में आजादी के अमृत महोत्सव को देखते हुए इतिहास की जागृति होने के मकसद से महाराष्ट्र में पहली बार महिलाओं के लिए भारतीय वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन आगामी 25 अगस्त को किया गया है। महाराष्ट्र की लावनी क्वीन शिल्पा शाहिर ने बताया कि जागृति फाउंडेशन तथा मौर्यन डांस अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में 25 अगस्त को सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम रेशिमबाग नागपुर में महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए पहली बार विदर्भ स्तरीय पारंपरिक भारतीय पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इस स्पर्धा में बेस्ट कॉस्ट्यूम पेशवाई अवार्ड भी दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में पैठनी व सौभाग्यवान दिया जाएगा। दो सांत्वना पुरस्कार चांदी की अन्नपूर्णा व सौभाग्यवायन दिया जाएगा। स्पर्धा में शामिल होने वाले सभी प्रतियोगियों को आकर्षक भेंट वस्तु व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। नमस्कार, मैं आप सभी की लावणी क्वीन शिल्पा शाहिर आज कुछ खास आपके लिए लेकर आई हूँ। जागृति फाउंडेशन और मोरियन डांस एकेडमी की तरफ से 25 अगस्त सुरेश भट्ट सभागृह रेशिमबाग ग्राउंड नागपुर, यहाँ सभी महिलाओं के लिए विदर्भ स्तरीय भारतीय वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन किया गया है। सभी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ऑनलाइन 700 रुपीज पे करना है। आप इसमें नौवारी साड़ी, मशरूम साड़ी, कांजीवरम साड़ी, कोई भी महाराष्ट्रीयन लुक वेयर कर सकते हैं। कंपटीशन में हमने सर्वोत्कृष्ट पेशवाई अवार्ड रखा हुआ है, जिसमें आपको पैठनी और ग्राउन मिलने वाला है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कॉन्सोलेशन प्राइज भी रखे हुए, जिसमें आपको पैठनी और चांदी की अन्नपूर्णा सौभाग्यवान मिलने वाला है। जो भी महिलाएँ इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगी, सभी को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें लावनी क्वीन शिल्पा शाहिद 8237661670 ये नंबर पे। थैंक यू। गोंदिया से बीसी न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर। नागपुर जिले के उमरेड़ तहसील के चुमनाझरी परिसर में खेतों में 5 से 6 भैंसे मृत अवस्था में पाई गई है। बुधवार की रात हुई तेज बारिश से नागपुर शहर एवं ग्रामीण इलाके में जल जमाव हो गया था। इसी बीच पाजगांव के समीप चिमनाझरी में चराई करने गए भैंसे मृत अवस्था में पाई गई है। अभी मृत्यु का कारण पता नहीं चल पाया है। बीसीएन न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। चामोर्शी के उप विभागीय अधिकारी महसूल कार्यालय के सामने मणिपुर के अत्याचार मामले में आदिवासी लोगों के ऊपर
जो अन्याय उन लोगों ने किया और सांगली जिले के बेड़क गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम की कमान तोड़फोड़ करने वालों के लिए कड़ी सजा देने की मांग करते हुए शहर के लक्ष्मी गेट से एसडीओ कार्यालय तक लॉन्ग मार्च निकालकर विरोध किया गया है, जिसमें सावित्री रमाई महिला संताजे स्नेही सखी मंच कुंबी माड़ी समाज संगठना प्रेरणा बौद्ध मंडल जिजाऊ ब्रिगेड यमुना वुमेन्स फाउंडेशन श्री गणेश महिला बचत गट आदि संगठन के महिला उपस्थित थे। इस वक्त नगर पंचायत पूर्व सभापति प्रेमा आइंचवार सीमा खोबे सपना खोबरागड़े इंदिरा नागदेवते कल्पना बहिरेवार शोभा गेडाम सरोज थोरात ये सभी महिला ने मणिपुर की घटना पर तीव्र निषेध जताकर बेड़क गांव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके नाम की कमान तोड़फोड़ करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने के बाद तहसील उप विभागीय अधिकारी उत्तम तोड़साम को निवेदन सौंपा। उस वक्त मोर्चा में महिला संगठन के पदाधिकारी और अन्य महिला बड़ी संख्या में उपस्थित थी। बीसीएन न्यूज के लिए चामोर्सी से बबन वड्डीटीवार। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द ही मिलते हैं, देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।